भगवान सूर्य अपनी किरणों से आपको सदा आलोकित करते रहें, आप अपने पूरे परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। छठ माता आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। न्यूज टुडे दरभंगा परिवार ऐसी शुभकामनाएं करता है। नमस्कार, मैं संतोष झा और शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलॉन फॉर मेन एंड वोमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा, हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर, अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर, अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्घ्य अर्पित किया और सबके मंगल की कामना। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, डीएम SSP स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग, जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। मोटर बोट के साथ तालाबों में गश्त लगाती रही NDRF की टीम। शहर के JP चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान हैं भगवान सूर्य, बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। GJ ज्वेलर्स एंड कृष्णा डायमंड लेकर आया है इस दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मिथिलांचल में पहली बार सोने के आभूषण की बनाई मात्र 251 रुपए प्रति ग्राम एवं डायमंड की प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर 5 ग्राम सिल्वर क्वाइन मुफ्त पाएं। राजकुमारगंज मिर्जापुर रोड दरभंगा में आए GJ ज्वेलर्स एंड कृष्णा डायमंड की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली तक स्पेशल ऑफर, मेकिंग चार्ज पर 50% की भारी छूट। यामाहा एक्सक्लूसिव शोरूम वैष्णवी ऑटोमोबाइल्स बहेड़ी रोड देकुली बहादुरपुर लहेरिया सराय दरभंगा की ओर से धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर गाड़ी की खरीद पर 3,000 का कैश डिस्काउंट अथवा उतने का एसेसरीज एवं हेलमेट मुफ्त पाएं। प्रोप्राइटर आशुतोष कुमार झा। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम एवं मैटरनिटी सेंटर अलरपट्टी टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के पास दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 35 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा संचालित घरेलू वातावरण एवं पूर्ण सुविधा के साथ सस्ता एवं उचित इलाज, बच्चेदानी कैंसर का विशेष जांच एवं बांझपन का इलाज विशेष मशीन द्वारा। नयन सुख द आई केयर पीपल मल्टी ब्रांड ऑप्टिकल शोरूम VIP रोड बेंगोली टोला शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट लहेरिया सराय की ओर से आप सबको दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम एजेंसी लहेरिया सराय की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खादिम्स शोरूम लहेरिया सराय की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर शोरूम फर्स्ट फ्लोर नदवी मार्केट माई फैशन के बगल में लहेरिया सराय दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम माई फैशन फर्स्ट फ्लोर नदवी मार्केट मान्यवर शोरूम के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान श्रीमती लहेरिया सराय की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं।
द रेमंड शॉप पालीराम चौक लहेरिया सराय की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होम एजुकेशन सर्विस मस्जिद के सामने जीएनगंज लहेरिया सराय दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस मुगलपुरा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर जी के झा। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिंसिपल मकीना जमाल, डायरेक्टर मुजफ्फर जमाल। और समाचार अब विस्तार। उदयाचल गामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का चार दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्ध अर्पित किया और सबके मंगल की कामना की। उदयाचल गामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही बुधवार की सुबह संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का चार दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्ध अर्पित किया और सबके मंगल की कामना की। विभिन्न जगहों पर यथासंभव आपकी न्यूज़ टुडे की पूरी टीम मौजूद थी आप तक तस्वीरों को पहुँचाने के लिए। बारी बारी से विभिन्न छठ घाटों से तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं।
हरख के रे बिरवा, पूजन के रे दरभंगा के शहरवासियों को, नगर निगम के पदाधिकारी कर्मचारियों को, समस्त जन को हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ में हम लोग छठ के पावन पर्व के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासी, पूरे बिहार के और पूरे देश के वासियों को मेरी तरफ से और हेरिटेज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई और ढेर सारी खुशी। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पे तमाम मिथिलांचल वासियों एवं मिथिला के तमाम जनों को छठ एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस धरती को नमन करते हैं कि हमें यहाँ काम करने और अच्छा सेवा करने का मौका मिला और हम होंडा और हुंडई के माध्यम से अपने बेस्ट प्रोडक्ट लोगों को देके, आप देख रहे हैं शोरूम में कितनी भीड़ है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं लोगों को छठ एवं दिवाली की शुभकामना देते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी को बरकत मिले, ऊंचाइयां मिले। धन्यवाद। आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम सब में एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है। दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे, मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। स्वच्छता का पर्व है। सच्चाई का जीत होता है, उसकी खुशी में रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, वो दीपों से स्वागत किए थे। वैसे हम लोग अपने अपने घर आंगन को सफा सुथरा करते हैं, साथ ही साथ अपने मन को भी सफा करके, साफ सुथरा बना करके, दूर शीशिया जलन जो भी कुछ हो मन में, जितने भी गंदगी बुराया हो, सुधार करते हुए दीपावली पर्व मनावे, बहुत ही अच्छा होगा और आगे आपको बढ़ते करेंगे और बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ छठ सूर्य का प्रतीक होता, महान आस्था का पर्व है। हम सब बिहारवासी है, हम लोग का पर्व महान छठ आस्था का प्रतीक है, जो दिखाता है कि सूरज जो पूरे संसार को अपना एनर्जी देते हैं, उसी ढंग से आपका भी जीवन में छठ पर्व एनर्जी के रूप में, एनर्जी के स्रोत के रूप में आपका जीवन में कल्याण करे, आपका जीवन आगे बढ़े, यही मेरा आशा है। ऊपर वाले से, भगवान से विनती है, एक बार फिर से महान आस्था का पर्व छठ एंड दीपों का पर्व दीपावली आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मारुति सुजुकी एवं कृष्णा मोटर्स दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे और हमारी यही इच्छा है, हम सबों की यही इच्छा है, हम सबका है सपना कि मिथिलांचल के घर घर में मारुति सुजुकी हो अपना। मैं अपने नानक इंटरप्राइजेस के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं और लिमिटेड समय में छोड़ें। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिला वासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, गुप्ता मार्बल एंड सैनिटी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से। दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर सठानी दीप फैशन मार्ट की तरफ से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एवं छठ मिथिला में एक मान्यताएं पर्व है। इस पर्व में दीपों का पर्व है और इस दीप ज्वलित के साथ एक खुशियां आपस में सम्मिलित होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी गणेश जी पूजा के साथ हम लोग एक शुभ कामनाएं और शुभ मंगल देते हैं। उनका सेठानी दी फैशन मार्ट की तरफ से आप सबों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका के तरफ से हार्दिक शुभकामना। रूपम साड़ी जो दीपक टेक्सटाइल की ओर से, दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। मेरे सभी मित्र दोस्त आगे बढ़े। मिथिला वासियों को
धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले फसल के लिए किसानों को शुभकामनाएं देता हूं, जो आने वाला रबी फसल उनका बहुत ही अच्छा हो। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर पूनम वस्त्रालय टावर चौक दरभंगा एवं पोद्दार ड्रेसेज लालबाग टाउन हॉल दरभंगा की ओर से सभी मिथिलावासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त मिथिलावासियों को आनंद भोग आटा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिलावासियों को भारत स्टोर की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली बड़े उत्साह से मनाएं, लेकिन बच्चों को पटाखों वगैरह से दवाज वालों से दूर रखें और प्रदूषण को उनको बचाएं। दरभंगा प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से दरभंगा प्रमंडल के सभी व्यवसायी एवं उद्यमियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही शुभकामनाएं हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को और मीडिया कर्मियों को। इधर हम लोगों ने देखा है कि पर्व त्यौहार के अवसर पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही खराब रहा करती है, कम से कम पर्व त्यौहार पर अभी दुर्गा पूजा गई है, दीपावली चल रही है, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी रही है, इसलिए हमारे नए SSP गरिमा मल्लिक जी को भी बधाई। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दरभंगा प्रमंडल के व्यवसायियों का सुख शांति एवं समृद्धि से व्यापार होता रहे, उद्योग बढ़ता रहे, उनके धन लक्ष्मी की कामना पूरी होती रहे, यह हमारी शुभकामना है, यह हमारी हार्दिक अभिलाषा है। हमारा दरभंगा प्रमंडल विकास युक्त हो, विकास की अति आवश्यकता है, उद्योग बढ़े ताकि यहाँ विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ पैदा हों, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बढ़ते रहें। मैं पुनः आप सबों को दीपावली और छठ की एक बार हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व, जो खास करके बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है, मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी अभिभावक, नागरिक, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिथिलांचल एवं बिहार में रहने वाले सभी नागरिकों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग, हम लोग सब मिल के बढ़िया से इस पर्व को मनावें और हमारा आने वाला जो समय है वह अच्छा हो। और यह हम ध्यान रखें कि एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे संप्रदाय के प्रति किसी तरह का भेदभाव ना ही हो, और साथ ही साथ अभी जो ये क्रैकर्स हैं या इस तरह की क्रैकर्स न छोड़ें जो दूसरे को दिक्कत हो, और कानून का हम लोग पालन करें, यही मेरी शुभकामनाएँ और धन्यवाद। आप सभी मिथिलावासी, दरभंगा वासियों एवं बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की शुभकामना देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये महापर्व आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर आएगा, खुशी का संदेश लेकर आएगा, और मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने स्कूल के छात्र छात्रों, अभिभावकगण एवं सभी मिथिलावासियों को, मिथिलावासियों के स्टूडेंट से, बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्व को, दीपावली को फ्री क्रैकर बनाएं और सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाएं, और किसी तरह का घटनाएं न हो पाएं, सब एक दूसरे के कोऑपरेशन करें और हर्ष और खुशी का जो माहौल है इसको बरकरार रखें, अपने आप को सेव करें, अपने परिवार को सेव करें। थैंक यू वेरी मच। यह दीपावली और छठ का पर्व भी मानवीय मूल्यों को की सार्थकता और किस को मनवाता है। ऐसे अवसर पर CM कॉलेज की परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को हम शुभकामना देते हैं, विशेषकर कॉलेज के शिक्षक, शिक्षेत्रकर्मी, छात्र छात्राओं को दीपावली के अवसर पर मुबारकबाद पेश करते हुए यह भी आह्वान करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए भी ठोस कदम उठाएं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे,
हम ऐसी दिवाली मनाएं जो दूसरों के लिए कोई कठिनाई पैदा न करे। दीपावली और छठ के पावन और शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बैंक के कॉम्रेड्स को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद तमाम बैंकों के सम्मानित ग्राहकों को और जितने भी खाताधारी हैं, जो ऋणी है वो भी, जो जमा करता है वो भी, और इस नगर के नगरवासियों को भी अपनी यूनियन की तरफ से और तमाम बैंक की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये दीपावली और छठ जो है बड़ा ही भाईचारगी, अमन और सुकून का पर्व है। और सबसे बड़ी बात ये दीपावली में यह है कि अंधेरे को रोशन किया जाता है, और अंधेरे का नाम मुर्दा है और रोशनी का नाम जिंदगी है। इसलिए इस पर्व से ये बड़ा ही आनंदित पर्व है कि हर अंधेरी जगह को रोशनी कर दिया जाता है और पूरा हिंदुस्तान जगमय हो जाता है। और इसी के साथ मैं नगरवासियों को धन्यवाद देता हूँ। को श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति करें, अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करें, ये शुभकामना, अशेष मंगल कामना एक बार फिर से पूरे जिले वासियों को, पूरे मिथिलांचल वासियों को, सारे कमिश्नरी के पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं को श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशेष मंगल कामनाएं। तमाम मिथिलावासियों को विकी टीवीएस की ओर से धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जीसस मेरी महापरिवार की ओर से आप सभी नगरवासियों को दीपावली एवं छठ की शुभकामना देती हूँ। दीपावली रंगों का नहीं, रोशनी का त्यौहार है, और रोशनी तभी होगी जब हम शिक्षित हों और शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें। आशा करती हूँ सभी बच्चे, चाहे वो हमारे विद्यालय को हों या नहीं हों, शिक्षा को इज्जत दें, शिक्षा को अपने जीवन में उतारें तथा पूरे समाज में रोशनी फैलाएं। छठ एक ऐसा पर्व है जिस ईश्वर को हम रूबरू देखते हैं, साक्षात देखते हैं, उनकी रोशनी से हमारा जीवन बदा हुआ है, उनको भी श्रद्धापूर्वक नमन करें। समस्त मिथिलावासियों को बातें नून दोनार चौक दरभंगा एवं बात गैलेक्सी मशरब बाजार दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण समस्त मिथिलांचल वासियों को दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव और छठ के शुभ अवसर पर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक घर में शिक्षा के दीप जले, अनंत दीप जले, और हमें सुख समृद्धि और संपन्नता हासिल हो। हम इस दीपावली पर यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, और पर्यावरण रहेगा तभी हम संपन्न, सुखी और स्वस्थ रह पाएंगे। ये विद्यालय परिवार की तरफ से यह कामना है। और फिर से एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से मैं अभय कुमार कश्यप, आप सबों मिथिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिलखसूस डॉन बॉस्को स्कूल के तमाम बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को, गार्जियन हजरात को, दरभंगा के एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारे रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब और यूनेस्को क्लब, और साथ ही साथ नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत दिल के गहराई से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। हम लोग एक दूसरों की भावनाओं की कदर करें, और दीपावली जहाँ पटाखे का एक अच्छा खासा त्यौहार मनाया जाता है, इसमें हम लोग को ख्याल रखना है कि कोई ऐसी घटना ना हो जो खुशी का ये पर्व किसी भी तरह की कोई माने दिक्कत लेके आ जाए। इसलिए हम लोग अपने बच्चों पे थोड़ा सा सावधानी बरतें और थोड़ा ध्यान रखें, और एक दूसरे की कदर करते हुए इस पर्व को बढ़िया से मनाएं और अच्छे से मनाएं। मेरी तरफ से एक बार फिर से तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सिंह परिवार एवं धर्मात्मा परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों
एवं मिथिलावासियों को छठ दिवाली की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं यह चाहूँगा कि हर कोई हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाए, और साथ ही साथ एक दिवाली हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे देश के रक्षकों के लिए। सिंह परिवार और धर्मात्मा परिवार की तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ दीपावली का। दीपावली मतलब दीपों का कतार, तो दीपों का कतार सजाना अच्छी बात है, लेकिन इसका जो मैसेज है, सही मैसेज, कि हम लोग बिल्कुल दीप की तरह ज्ञान की रोशनी फैलाएं, हर घर के बच्चे शिक्षित हों, और इसी के साथ मैं दीपावली एवं छठ की सिंह परिवार और धर्मात्मा परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी मिथिलावासियों को श्री सुहागन ज्वेलर्स बाकगंज लड़िया सराय की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सोना चांदी एवं डायमंड जेवर के लिए पधार। आप सभी दरभंगा वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सिटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। उदयाचल गामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का चार दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्घ्य अर्पित किया और सबके मंगल की कामना। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग, जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। मोटर बोट के साथ तालाबों में गश्त लगाती रही एनडीआरएफ की टीम। और शहर के जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान हैं भगवान सूर्य, बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी गरिमा मल्लिक स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग, जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी स्वयं करते रहे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष आराई घाट पर हम सभी लोग उपस्थित हैं, बाकी सभी नियंत्रण कक्ष में भी सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और जो फोर्स का डेपुटेशन है मजिस्ट्रेट का, सब लोग अपने अपने जगह पर लगे हुए हैं, उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। और विभिन्न घाटों पर जो एसटीआरएफ की टीम है और हमारे लोकल जो गोताखोर हैं, नाव है, वो सभी व्यवस्था हम लोगों ने किया है और बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों को, पूरे जिले वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना हम लोगों की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से। वो अच्छे से बहुत धूमधाम से दरभंगा निवासी जो हैं वो मना रहे हैं, आज सहयोग में जो है प्रशासन और पुलिस लगे हुए हैं और अब जिला पुलिस की तरफ से सभी दरभंगा वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था का पर्व छठ आज शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, उसमें सभी जनता छठ व्रतियों और यहाँ के प्रशासन, नगर निगम, सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था का महान पर्व छठ पूजा का आज ये सुबह वाला अर्घ है, सभी जगह सूचना के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, जिला प्रशासन की सभी जगह चुस्त व्यवस्था थी और सभी छठ व्रतियों को जिला प्रशासन की तरफ बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटें। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ ऑल कंपाउंडर एसोसिएशन दरभंगा इकाई की सभी कंपाउंडर भाइयों के तरफ से शुभ दीपावली और शुभ छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों के तरफ से, कंपाउंडरों की तरफ से सभी भाइयों की खुशहाली रहे, खुशखबरी रहे और उसके बाल बच्चा को भी खुशखबरी रखे शुभ दीपावली के अवसर पर और शुभ छठ मैया के अवसर पर उसके बाल बच्चे को खुशखबरी भी रखे। भारती पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हायाघाट एवं चकवा के सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को छठ एवं दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को
ऐसे निर्देश दिया जाता है कि वे दीपावली एवं छठ के अवसर पर पटाखों से दूर रहें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ ही अपने पंचायतवासियों के लिए अच्छे भविष्य का कामना करता हूँ। पटाखा बच्चे से पटाखा बच्चों लोग को समझ, जो गार्जियन है पटाखों से दूर रखें, पटाखे न छोड़ने। छठ दिवाली के शुभ अवसर पर नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल से के तरफ से सारे अभिभावकों बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे जो है सावधानी पूर्वक छोड़ें, छठ के घाटों पर भी गार्जियन जितने भी हैं सभी बच्चों का ख्याल रखें ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मैं बच्चों के लिए और जो भी बढ़ती व्रत करते हैं उनके लिए एक सावधानी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब पटाखे फोड़ते हैं तो उस पर ध्यान रखें और बच्चे पटाखे से दूर रहें। नदी तालाब पोखर में ये पर्व मनाया जाता है, वहाँ पे बच्चे सतर्क रहें। दिवाली छठ के शुभ अवसर पर दरभंगा जिला वासियों को शुभकामना दे रहे हैं, और साथ में मैं आग्रह भी कर रहा हूँ दरभंगा जिला वासियों से, खासकर मजदूर किसान नौजवानों से, छठ के अवसर पर फटाखा से थोड़ा परहेज रखें ताकि किसी तरह का दुर्घटना न हो पावे और छठ और दिवाली को हम लोग भावना के साथ मनाएं। दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर मैं अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं पूरे समाज को अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि वो लोग इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ मनावे। एवं और एक अनुरोध रहेगा कि इस पर्व में कुछ पटाखे लोग फोड़ते हैं जिससे पर्यावरण भी दूषित होता है, हम सभी से अनुरोध करेंगे ऐसा कोई भी चीज़ का जलन न करे जिससे प्रदूषण जो है वो हमारा दूषित हो, जिससे हम लोग सभी नागरिक यहाँ के स्वस्थ और सबल बन सकें। मुंशी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल की ओर से सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों को दिवाली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की शुभ बेला में हार्दिक बधाई। छठ और दीपावली समस्त बहादुरपुर और खंडवासी को शुभकामना देता हूँ, और आपस में हिलमिल भाईचारा बना करके सब आदमी अपना अपना दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा बहुत बहुत बधाई। दीपावली छठ फटाका के त्यौहार होइ छै, ओहिमे फटाका बहुत कम छोड़ी। मैं अपनी ओर से, अपने कॉलेज परिवार की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों को, शिक्षकों को, शिक्षकतर कर्मचारियों को एवं छात्र छात्राओं को दीपावली एवं छठ की बधाई देता हूँ। डायरेक्टर ऑफ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से विश यू हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी छठ टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दरभंगा एंड मिथिलांचल। मैं दरभंगा वासियों से भी अपील यही करना चाहता हूँ कि वो दीपावली का पर्व एक फ्रेंडली मनावे। छठ दिवाली का जो है पूरे दरभंगा जिला वासियों को जो है सो हार्दिक शुभकामना है लोकतांत्रिक जनता दल के समाज के ओर से, आपको खुशी खुशी जो है दिवाली मनावे, खुशी खुशी जो है सो छठ मनावे। छठ बहुत निष्ठा का पर्व होता है और दिवाली जो है लक्ष्मी का जो है सो आगमन होता है, इसमें जो है सो माने खुशी खुशी लोग करें। ये हिंदुओं के लिए और इस अवसर पर हम सभी नगरवासियों को, जिलावासियों को, पूरे राष्ट्र को शुभकामना देते हैं श्री लगन परिवार की ओर से, और कामना करते हैं कि दीपावली और छठ पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और खुशी खुशी सब लोग एक साथ मिल के मनाएं और सद्भावना का इसे उच्चार मिलजुल करके सभी लोग इस पर्व को मनाएं। ये बहुत महापर्व है, इसमें सभी लोग बाहर से आकर के यहाँ पर्व मनाते हैं। दीपावली
छठ दीपावली हिंदुओं का महापर्व है और खुशियों का दिन है। इसमें लोगों द्वारा खुशी मनाया जाता है, उत्साह का दिन है, उत्साहों का पर्व है। और छठ पर्व जो है मेरी नेम निष्ठा और अच्छा से पर्व करने की पूजा करने की पर्व है। वो छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे बिहारवासी, दरभंगावासी, पूरे बिहारवासी और क्षत्रिय भाइयों एवं अन्य सभी को शुभकामना है मेरे तरफ से। क्योंकि दरभंगावासी है जो हमारे दुकान में कंटिन्यू आते हैं, सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामना। रूप श्री ज्वेलर्स एंड सन्स बाकरगंज इसके प्रोप्राइटर है और आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामना। हम यही कहेंगे अमन ट्रेडर्स हायाघाट पूर्वी बिलासपुर के तरफ से हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं यहाँ के, सबों को छठ दिवाली का शुभकामनाएं हो और उन लोग का भी हमारे साथ सहयोग हो। मैं अलहबीब इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूँ और तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि छठ और दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और दीपावली में बच्चों से खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटाखे से दूर रहें, बड़े पटाखे न छोड़ें। खुशी मनानी है, छोटे पटाखे से मना लें कि कोई घटना से लोग बचे रहें। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना सभी लोगों को, सभी मिथिला वासियों को, मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। प्रकाश का पर्व दीपावली और आस्था और विश्वास का पर्व छठ पर्व, दोनों पर्व के संयुक्त रूप से मैं सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मी पदाधिकारी और छठ व्रती को शुभकामना देता हूं। अपनी ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार की ओर से मिथिलांचल वासियों एवं समस्त बिहार वासियों को छठ आज दीपावली के अवसर पर, छठ पूजा महापर्व छठ के अवसर पर एवं भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब पर्वों पर मैं अपनी ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को, मिथिलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज छठ दीपावली है, ये खुशी का उत्सव है। आज का दिन बहुत ज़्यादा बहुत ही खुशी का पर्व है। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दीपावली में समस्त इस दीपावली में समस्त ग्रामवासियों को, प्रखंडवासियों को मेरे ओर से धन्यवाद है, बधाई है। ज्योति का पर्व दिवाली, काली पूजा, भाई बहन का पर्व भाई दूज, आस्था का पर्व छठ, ये सभी महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर संपूर्ण बिहारवासी, सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधि, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कांग्रेस आला कमान सहित कांग्रेस जन, शांति समिति के सदस्यगण, आप तमाम मीडिया कर्मी, खास तौर से अपने वार्डवासी को चारों महत्वपूर्ण पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। साथ ही आशा करती हूँ कि संपूर्ण बिहार के लोग, अपने मिथिलांचल के लोग शांतिपूर्ण वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएंगे, ताकि
समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। मैं दरभंगावासी के तमाम छठ व्रतियों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बच्चों को अपने साथ हमेशा रखें और साथ ही फटाखों जो अभी बड़े बड़े फटाखे मार्केट में आए हुए हैं उनसे दूर रखें, पानी से दूर रखें, और जिससे क्या होगा कि बड़े फटाखे कम छोड़ेंगे, वातावरण प्रदूषित कम होगा और बच्चे भी खुशहाल रहेंगे और पर्व भी शांतिपूर्ण बनेगा। दरभंगा जिला के सभी तमाम पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम राजद परिवार, साथ ही 87 जाले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा के तमाम लोगों को छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग आपस में भाईचारा कायम करके इस त्यौहार को मनाने का काम करेंगे, ये हम लोगों से उम्मीद मैसेज देता हूं। मैं समस्त दरभंगा वासियों को छठ के अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी माताओं से आग्रह करूँगा कि गंदे पानी में नहीं उतरे, और गंदे पानी में अगर उतरने की उतनी मजबूरी हो तो कुछ भी जो नारियल तेल या कुछ भी तेल जो होता है उसको लगा करके उतरें, और नहीं अगर संभव हो तो छत पे, जो आजकल लोग परंपरा चला गया है कि छत पे जो लोग कुंड बना करके उसमें उतरते हैं तो वो साफ है, लेकिन जो लोग परंपरा से बंधे हुए हैं कि नहीं हम उस पे नहीं उतरेंगे लेकिन हमको पानी में उतरना ही है, तो हमको नहीं लगता है कि अब कोई भी तालाब इतना साफ है जिसमें कि अब एक लोग कुल्ला भी कर सके, और उसमें माताओं लोगों को लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा सुबह में और डेढ़ घंटा शाम में लगभग खड़ा रहना पड़ता है। इस पानी में खड़ा होना बिल्कुल ही हानिकारक है, इसीलिए हम और ज़्यादातर तालाबों में घाट नहीं बना हुआ है। हम देखते हैं कि छठ के बाद काफ़ी माताएं लोग आती हैं जिनका कि पैर में झुक जाता है, हाथ में झुक जाता है, तो इसीलिए सावधानी से उतरें, किसी का हाथ पकड़ के उतरें और शरीर में तेल लगा कर भी उतरें। आप सभी मिथिला वासियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रकाश के महापर्व दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और बिहार के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली, भातृ द्वितीया और छठ की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। दीपोत्सव का यह पर्व सभी के जीवन में दीपों से जगमगाए, धन धान्य से भरे, और मैं इस मौके पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक दिया दीपोत्सव के दिन यानी दीपावली के दिन शहीदों के लिए, शहीदों के नाम पर जरूर जलाएं। आर्मी एकेडमी लारियासराय की ओर से सभी मिथिलांचल वासी, छात्र छात्राओं एवं सैनिक, भूतपूर्व सैनिक को प्रकाश के पर्व दीपावली, भाई बहन के पर्व भाई दूज एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, अद्वितीया एवं छठ के बहुत बहुत शुभकामना दे रहा छी, और अ दीपावली में विशेषतः सब आदमी से अनुरोध जे प्रकृति से निर्मित जो एक माटि के दीप होइ छै ओकरे प्रयोग कयल जाए, जिससे कि एकटा ओहिमे एकटा एहन शक्ति छै जे प्रकृति अपने आप में पूर्ण होइत छै। राज कोचिंग सेंटर बलवतपुर नवटोल लहरियासराय दरभंगा के तरफ से तमाम मिथिलांचल वासियों, छात्र छात्राओं, शिक्षक गण, शिक्षक मित्रों एवं पदाधिकारियों को ज्योति का पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये समस्त मिथिलांचलवासी, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, शिक्षक मित्रों तथा पदाधिकारियों को दीपों का पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय लक्ष्मी ट्रेडर्स बलभद्रपुर नवटोल की ओर से आप सभी मिथिलावासियों, व्यावसायिक बंधुगण, उपभोक्तागणों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रकाश की पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।
युवा टू व्हीलर सर्विस सेंटर रघेपुरा चौक अललपट्टी रोड दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहां सभी प्रकार के मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग और सर्विसिंग होती है, सभी प्रकार का मोटरसाइकिल का पार्ट्स भी उचित मूल्य पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद अपना का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। उदयाचल गामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्ध अर्पित किया और सबके मंगल की कामना। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग, जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। मोटर बोट के साथ तालाबों में गश्त लगाती रही एनडीआरएफ की टीम। और शहर के जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान हैं भगवान सूर्य। बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तालाबों में मोटर बोट के सहारे गश्त लगाती रही एनडीआरएफ की टीम, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार दिखाया। केवल रास्तों पर ही नहीं, छठ घाटों पर भी तालाबों में मुस्तैद रहे एनडीआरएफ के जवान, मोटर बोट के सहारे लगती रही गश्त। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटें। आप के आबि गेलियौ? दादी, अरे बउआ, तू इस घरे एलही है? आई दिवाली आओ अपन लोकक पास, राजस्थान से राधे राधे, हर अवसर बनाए खास।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। उदयाचल गामी भगवान दिनकर को अर्ध के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का चार दिवसीय आयोजन। विभिन्न तालाबों में छठ व्रतियों ने भगवान को अर्ध अर्पित किया और सबके मंगल की कामना। छठ घाटों से लेकर रास्तों तक पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम एसएसपी स्वयं करते रहे मॉनिटरिंग। जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहे मुस्तैद। मोटर बोट के साथ तालाबों में गश्त लगाती रही एनडीआरएफ की टीम। और शहर के जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान हैं भगवान सूर्य। बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और शहर के जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान है भगवान सूर्य। बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और शहर के जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले में विराजमान है भगवान सूर्य। बरसों से प्रतिमा स्थापित कर होती है आराधना, उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले विषाण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। छठ की पुनः शुभकामनाओं के साथ दीजिए हमें इजाजत। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर आप देख सकते हैं। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छठ की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद।